आज है 27 मई 2024 और दिन है आज सोमवार का और इस वक्त टाइम हो रहा है शाम के 6:30 और मैं हूँ इस वक्त मुक्समिर के भद्रवाह में। तो कल हम बैरागढ़ से चले थे और शाम को पहुँच गए थे भद्रवाह में और आज हम गए हुए थे भद्रवाह के लोकल साइट सीन घूमने के लिए। तो चलो आइए आज हमने भद्रवाह में क्या क्या घुमा इस वीडियो के माध्यम से आप तक भी जानकारी पहुंचाते हैं। 12:44 हुए और अभी हम निकल रहे हैं भद्रवाह के लोकल साइट सीन घूमने के लिए। फायदा मिला है रात का, गेस्ट हाउस अच्छा है, गेस्ट हाउस अच्छा है, आराम से आगे बैठने के लिए। अच्छा, चलिए जी आज की यात्रा आरम्भ करते हैं भद्रवाह के लोकल साइट सीन। क्या पहला पॉइंट रखना है, क्या कहाँ चलना है? चामुंडा देवी माता मंदिर। चलिए सबसे पहले चलते हैं चामुंडा देवी मंदिर भद्रवाह। तो उधर तो पूरा दिन निकल सकता धूप में आराम से। ये देखो यही नदी वहाँ पे पहुँच गई। हाँ, ये जो होटल से पीछे जो आपका गली जैसी नहीं है वो ऐसे वो जाता है इधर तक, इन्होंने बनाया वो लकड़ी लुकड़ी का पुल पुल जैसा। मैं सुबह 6 बजे उधर जाके आ गया था देखने के लिए कि नदी तक है भला रास्ता जाने के लिए। एक लेफ्ट में पुल देखो, ये आ गया ना रोड, उधर से आएंगे तो ये मेन रोड में जुड़े हम। ये देखो 3 घोड़े आ रहे हैं, जैसे कि घोड़ा ले लो एक एक खुश, जैसे कि वो गाय वाय नहीं आते चलते। और वो है पदरी जो ऊपर, वो पीछे वो जो कौआ जैसा और उसके बादलों वाली जो वो चोटी है ऊपर वो। नहीं ये गेस्ट हाउस आप यहाँ परमानेंट कर सकते हैं। नीचे जा रहा है ये चंडी मंदिर ये। चलिए आप उतर जाओ, मैं आगे लगाता हूँ, इधर ही दबा लेता हूँ फिर आप उतर जाओ। वेलकम जेके टूरिज्म चंडी टेम्पल भद्रकाली। भद्रकाली यही हुआ मतलब। तो मैं गाड़ी मोड़ के लगा लेता हूँ ना, क्योंकि हमें तो ऊपर जाना है ना फिर। ठीक है। चलिए जी 1:07 हुए और हम पहुँच गए चंडी माता मंदिर भद्रवाह देखने के लिए। जय माँ चंडी माता, जय माँ चंडी माता की जय। चलिए जी 1:20 हुए और हम लोगों ने माता चंडी माता मंदिर में दर्शन कर लिए। जय हो चंडी माता की। आज माता दी। आज के टूर की शुरुआत चंडी माता मंदिर से। जय माता दी। चंडी माता मंदिर में हमने दर्शन कर लिए, अब चलते हैं तिल्ली गार्डन। तिल्ली गार्डन, तिल्ली गार्डन। जय चंडी माता। शायद पुराने स्थल पे नया मंदिर बनाया होगा, कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म देख रेख कर रहा है। देख रेख कर रहा है, वो ही है ना फोर्ट। हाँ। उधर भी जाएंगे तिल्ली गढ़ रोज गार्डन। क्यों तूने इतना बजाया? मैंने यहाँ बहुत सुंदर है। क्या रोजेस तो यहाँ बहुत सुंदर है। खुश देखो अखरोट के पेड़ है सारे ये। हाँ। ये देखो लगे हुए अखरोट, ये इधर भी अखरोट है ये। अब देखेगी बैली इधर से पूरी। हाँ। भद्रवाह घरों के एक जैसे डिजाइन सारे। ये सफेद वाला क्या है? सफेद भी ये तो कोई ऐसे जंगली है, है तो फूल ये, पर ऐसे जंगली टाइप ही है ना जो अपने से हुआ है, ऐसा और ही फूल है ये। कितना सुंदर लग रहा है गर्मियों के दिन में, यहाँ के लिए भी तो गर्मी हुआ ना। गर्मी वो फोर्ट है तिल्लीगढ़, देखेंगे इसको भी। तिल्लीगढ़ रोज गार्डन है। चलिए जी 1:30 हुए और हम पहुँच गए तिल्लीगढ़ रोज गार्डन। 1:32 हुए और मैंने अपने गेस्टों को गार्डन देखने के लिए भेज दिया है। वाह खुश के लिए छाता, पर खुद थोड़ा बड़ा हो गया है ना। ये है दिल्ली, यहाँ पर ये होटल भी है, यहाँ पर ये एक होटल भी है, तो आपको तो अगर इसमें बुकिंग मिलती है तो आप यहाँ पर स्टे भी ले सकते हैं। खुश को तो तिल्लीगढ़ छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। चलिए खुश को कैसा लगा तिल्लीगढ़? अच्छा था। अच्छा था। नहीं नहीं देखे लेकिन बाकी सब अच्छा। क्या नहीं देखा? रूम्स नहीं देखे, दिखाया अच्छा नहीं उन्होंने? अच्छा दिखाया नहीं, अभी गेस्ट अभी गए हैं। अच्छा तो कोई खाली नहीं था रूम? साफ सफाई ठीक है, अंदर की नक्काशी वगैरह बहुत सुंदर है। हाँ तो हमने इधर ही रुकना था पर वो है इधर तो है ही नहीं कोई भी, कहाँ चले गई?
उतर के दे दें? ना ना, तो इधर होना तो चाहिए। तो देखिए उधर अंदर ही जाके आ जाते हैं दोबारा, अंदर ही दे देंगे उनको जो। लेकिन बहुत सुंदर बना हुआ है ये तो टूरिज्म के है। 10 रुपए 10 रुपए है एक आदमी को, दे देंगे। उसने रखी हुई थी टिकटें वगैरह ना। वो कहाँ के टिकट काटने वाले हैं? हाँ कौन है? शिफ्ट चेंज हुई है शायद ये आया हुआ है। कहाँ गए? वो गया अंदर बुलाने ना, शायद अंदर चला गया। मिल गई वो टिकट। हाँ वो आप दे दो ना। हाँ तो ये ले लो ना, उधर कोई नहीं था गेट के ऊपर। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। फोन तुम्हारे पास है? ये दिल्लीगढ़ रोज गार्डन। ये था दिल्लीगढ़ रोज गार्डन, जो कि खुश को कैसा लगा? अच्छा था। अब देख लेना, अगर व्यू वाउ लेना होगा तो हाइट पे है ना, यहाँ से भी आ सकता है और उधर से भी आएगा मुझे लगता फोर्ट से भी। यहाँ का तो ले लिया, इधर का ले लिया। चलिए ये तो नहीं लेना, व्यू तो ऊपर से आ गया होगा। ये सब तो आ गया। खुश तुम्हें जमाया? सियोज धार। अच्छा हाँ सियोज धार। चलिए जी पूरे 3 बज गए और खुश आ गया फोर्ट देखने के लिए। सियोज धार मेडोज। चलिए ये लीजिए जरा। क्या ये है? लैवेंडर। हाँ वहाँ उग रहा था। चलिए जी 3:02 हुए और मैंने अपने गेस्टों को सियोज धार फोर्ट देखने के लिए भेज दिया है। यहाँ से नज़ारा पूरा भद्रवाह सिटी यहाँ से दिखता है। और इस किले के अंदर आने के लिए कोई टिकट नहीं है, आप ऐसे घूम के जा सकते हैं। ये देखो पूरा भद्रवाह का यहाँ से हम व्यू देख सकते हैं एक ही जगह से। ठीक है खुश। और ये है किले का अंदर का हिस्सा। यहाँ पर एक ये सरोवर भी बना हुआ है। ये देखिए ये यहाँ पर एक किले के अंदर यहाँ पर ये तालाब भी है। 3:30 हो चुके हैं और हम लोगों ने भद्रवाह का फोर्ट भी देख लिया है। देख लिया किला? हाँ देख लिया। क्या था? बहुत अच्छा था। यहाँ पर 2-3-4 टाइप टावर टावर हाँ टावर है जिसमें आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा व्यूज है, व्यू देख सकते हैं। बहुत अच्छे व्यूज हैं। जो खंबे जैसे थे जिस पे हम गए, सितंब जैसे, क्या है ये? टावर ही बोलते हैं, टरेट्स भी बोलते हैं। टावर कोई तो टरेट होगा। तुम बताओ। अरे नहीं कोई दूसरे टाइप की बोल रहे हैं। सब कलर वाला नहीं तुम लोगों को? एक और टूरिस्ट कार आ गई है खुश। सियोज धार को देख के हम पहुंच चुके हैं अपनी कार के पास और एक और टूरिस्ट कार यहाँ पर पहुंच चुकी है। एसी लगा लें? हाँ एसी लगा लेते हैं। चलिए जी हमने सियोज धार भी देख लिया और फिर पांडव केव सब देखने आए। 1:36 हुए और हमने सियोज धार देख लिया। अब हम जा रहे हैं गुप्त गंगा। गुप्त गंगा ये अंदर ही जाएगी गाड़ी में। चार बजकर आठ मिनट हुए और मैंने अपने गेस्टों को गंगा मंदिर देखने के लिए देख लिया है। जय श्री भोले। ये है यहाँ पे गुप्त गंगा गुफा। और यहाँ पर ये चट्टान इस पे है भीम जी के पाँव का पैर के निशान निशान। देखो कहाँ दिखा रहे बेटा। जय हो, जय श्री भोले, जय श्री भोले, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, जय हो। ये है, ये थी गुप्त गंगा और अब है आगे पांडवों की गुफाएं। ये थी गुप्त गंगा और अब हम जा रहे हैं पांडवों की गुफाओं को देखने के लिए। पांडव इसमें रहते थे। जय हो, जय हो।
जय हो हर हर महादेव, जय हो जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय भोलेनाथ आ जाओ जय भोले। चलिए जी 4:30 हुए और हम लोगों ने पांडवों की गुफाएं भी देख ली है। अब आएगा मजा, हाँ 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 हाँ, करंट लगेगा अब, बैटरी चार्ज, ओ हो मज़ा आ गया, सारी गर्मी खत्म हो गई। इधर से आना है, वो गहरा है, इधर आओ इस तरफ। चलिए जी पांडवों की गुफा, इधर आ जाओ। पांडवों की गुफाओं में दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं गुप्त गंगा में। बहुत ठंडा, बहुत ठंडा है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये है गुप्त गंगा। और यहाँ पर और भी टूरिस्ट जो है ये राजस्थान से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बर्फ़ के ठंडे पानी में पाँव डालते ही सारी पाँव जो है ये सुन्न हो चुके हैं, इतना ये बर्फ़ का ठंडा पानी है। चलिए पूरे 5 बज चुके हैं और हम लोगों ने श्री गुप्त गंगा मुक्ति धाम मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं वासुकी नाग मंदिर। 6:05 हुए और गेस्ट आ गए हैं वासुकी नाग टेंपल देख के वापस। बड़ी देर से आए हुए हैं। हाँ इधर तो जगह मिली नहीं ना मुझे, मैं गाड़ी मोड़ के पुल पे ही चला गया उधर पीछे। पुल से जस्ट फिर मैंने चल के गए। हाँ तो एक वो देखा ढाबा जैसा ना, मैंने मैं उस पे बैठ गया खाने के लिए कि चलो है तो खा लेता हूँ। उसको दे दिया मैंने चार्जिंग लगाने के लिए, उसने लगाया तो म्यूजिक जोर से ना, तो मैंने उसको अब सुनाई नहीं दिया। जब मैं खा के उठा तब उसको फोन बताया। अब कहाँ चलना है फिर, होटल चलते हैं, चलना बोटिंग बाटिंग वाला। शाम को हो गई बोटिंग जाते हैं। अच्छा क्योंकि हम लोग ना वो ब्रिज तक गए, फिर उस तरफ आप नहीं दिखे। नहीं उधर लाइन जो गाड़ी जो खड़ी थी ऐसे नहीं थी लाइन, जहाँ उसने हमें बताया था। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ तक गए फिर हम लोग इधर आ गए कि लगता है हो सकता है इधर आके कहीं पास। हाँ ना ना मैं उधर एप्पल के साथ ही, उधर एक था अमृतसरियों का ना उनका ढाबा जैसा छोटा सा। अच्छा उधर अमृतसरी नान। हाँ बस उसमें था अमृतसरी नान जो था वो अंदर, उसको उसमें था मैं अंदर, तो उसने टेबल जैसे लगाए तो मुंह था दीवार की तरफ। ये लाजी आ गया बीर जी गेस्ट हाउस, अच्छी लोकेशन पे ढूंढा वैसे हमने। बाकी भीड़ भाड़ से चलिए खुश। 6:25 हुए। कल का क्या प्रोग्राम है फिर, स्टे करना इधर की कहीं और निकलना है? निकलना है निकलना है। चलिए 6:27 हुए और हम पहुंच गए वापस अपने होटल में। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।